नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। तो अभी हम लेक्चर 13 को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम कल इस पे बात कर रहे थे कि ये स्वयं के विकास के क्रम में अभी हमारी स्थिति क्या है, अभी हम कहाँ खड़े हैं। तो कल हम लोगों ने जो असाइनमेंट लिया था वो ये देखने के लिए लिया था कि अभी हमारी कल्पनाशीलता आस्वादन प्रधान है या विचार प्रधान है या भाव प्रधान है, ये अपने आप में देखने की बात है। तो ज्यादातर समय जो हमारे अंदर कल्पना चलती है, किसी आस्वादन को केंद्र में रख के चलती है, या किसी विचार यानी कोई विश्लेषण को केंद्र में रख के चलती है, या कोई भाव को केंद्र में रख के चलती है, इसको अपने आप में ऑब्जर्व करने की बात है। तो जो नीचे ये जो लाल लकीर है, इसके नीचे जो चित्र बने हुए, अगर उसको हम देखें तो उसमें अभी हम तैयारी की स्थिति में है। ऐसा हो सकता है कि किसी समय हमारी स्थिति रही है जहाँ हम आस्वादन प्रधान होकर जी रहे थे, कि शरीर से कोई अनुकूल संवेदना मिल जाए या दूसरे से कोई अनुकूल भाव मिल जाए, और उसी अर्थ में पूरी कल्पनाशीलता चल रही थी। उससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने विचार करना शुरू किया, संबंध का, वास्तविकता का विचार करना, और जो भी उसके साथ मान्यताएं जुड़ी हुई थी उन सबके साथ लेकर विचार, बट विचार पे बहुत सारा समय हम लगा रहे थे। उससे और आगे बढ़े तो ये स्थिति बन सकती है कि हम भाव को केंद्र में रखकर विचार करते हैं, तो भाव में भी मान्यता मिक्स हो सकती है, परंतु कम से कम भाव के प्रति हमारा एक सजगता बना है, एक अवेयरनेस बना है, उसकी एक प्रायोरिटी बनी है, ये अपने आप में ऑब्जर्व करने की बात। बट अभी भी ये जो स्थिति है वो जीव चेतना की है, क्योंकि तो संक्रमण नहीं हुआ है, ज्ञान में संक्रमण नहीं हुआ है, ज्ञान के अभाव में ही एक्टिव है। भले ही आस्वादन की प्रधानता हो या विचार की प्रधानता हो या भाव की प्रधानता हो, कि नहीं। संक्रमण जब होता है तो हम चिंतन, बोध, अनुभव में जागृत हो पाते हैं, और ये कोई एक क्षण में, एक दिन में हो जाने वाली बात नहीं है। तो हम हमारे अंदर जब भाव की प्रधानता होती है, भाव को केंद्र में रख के हम कल्पना कर पाते हैं, सजग हो पाते हैं, तो फिर हमें जो सहज स्वीकृत भाव है वो भी दिखाई देते हैं। फिर सहज स्वीकृत भाव को भी हम जब स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, जिस क्षण में देख पाते हैं उस क्षण उसका चिंतन हो पाता है। एक बार वो चिंतन में आ गया, वो भाव फिर हमारे अंदर स्थापित हो जाता है, जैसे विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, एक बार चिंतन में आ गया हमारे अंदर स्थापित हो जाता है, फिर उस भाव के साथ ही नीचे कल्पनाशीलता पूरी नियंत्रित हो जाती है, निश्चित हो जाती है। तो ये भाव में क्रमशः हम गति करते जाते हैं जब हमारे चिंतन में आता है। तो इच्छा के स्तर पे ही पहले भी हमारे अंदर भाव थे, बट मान्यता आधारित, उसमें बहुत सारे संस्कार हमारे मिक्सडअप थे। जब संक्रमण हुआ है ना, तो जो गलत संस्कार थे, गलत मान्यताओं पर आधारित थे, उनका मूल्यांकन हो पाया और हम शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने के बाद भी हो सकता है कुछ संस्कार हमारे बचे हुए हों जिसका हमें मूल्यांकन करना शेष है, ये भी पॉसिबल है। तो ये जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण का मुद्दा है। हम सभी के लिए जो उपलब्धि है वो ये जो एरो बना हुआ है, इस एरो को इंश्योर करना। उसके पहले जो कुछ भी है तैयारी है, उसमें उथल पुथल हो सकती है। हो सकता है आज हमारी प्रधानता भाव की हो गई, परंतु लाइफ में कोई ऐसी घटना हो गई कि हमारी फिर विचार की प्रधानता हो गई, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये हो सकता है। कभी आस्वादन की प्रधानता बढ़ गई, ये हो सकता है। तो नीचे जब तक जी रहे हैं, संक्रमण जब तक नहीं हुआ है, कि उतार चढ़ाव, उथल पुथल, कभी उत्साह, कभी निरुत्साह, कभी बहुत सारी आशा बनती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी बिल्कुल निराश, ऐसा सारा कुछ चल सकता है जी। तो हमें ये अपने आप में देखने की बात है कि अभी हम हमारी स्थिति कहाँ है, प्रधानता क्या है। और जब ये क्रियाएं हमारे में घटित होती हैं, चिंतन, बोध, अनुभव की, तो हमें पता लगता है, क्योंकि मेरी ही क्रियाएं हैं, मुझ में ही हो रही हैं, है ना, तो मुझे इसका पता तो लगता ही है। और इसके आधार पर ये होता है कि हमारे अंदर एक निश्चितता होती है, निरंतरता होती है। हमें जो पहले अनर्गल भाव आते थे, विचार आते थे, वो रुक जाते हैं, आते ही नहीं, ये हमें प्रमाण मिलता है कल्पनाशीलता में। पहले अपने आप को शरीर मान के इतना सारा विचार हो जाता था, अब नहीं रहा, अपने आप को शरीर से भिन्न देख लिया। पहले दूसरे पे शंका करते हुए, चाहना की शंका पे कर दूसरे की चाहना पे शंका करते हुए इतना सारा विचार करते थे, थकते थे, परेशान होते थे, दुखी होते थे, अब नहीं होते। तो ये अपने आप में प्रमाण भी मिलने लगता है उसका। जैसे जैसे हम ये ऊपर की क्रियाओं में जागृत होते जाते हैं, चिंतन, बोध, अनुभव में, उसका प्रमाण हमें मिलने लगता है स्वयं में ही। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है।
इसमें जो कल मैंने कहा था कि डायग्राम को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने ऐसा बनाया है कि पहले चिंतन को पूरा आपको है ना कलर बदल दिया, फिर उसके बाद बोध और संकल्प का कलर बदल दिया, और फिर अनुभव और प्रमाण का। परंतु वास्तव में देखें तो जिस रूप में हमारा संक्रमण होता है, तो ऐसा नहीं कि चिंतन पूरा हो गया फिर जाके बोध पूरा हो गया फिर जाके अनुभव हुआ, ऐसा नहीं। तो जितना हमारे चिंतन में आता है उसके आधार पर या उसके साथ उतने का बोध भी होता है। तो व्यवस्था में भागीदारी का जितना चिंतन हुआ उतने का व्यवस्था में होना इसका बोध भी हुआ। किसी इकाई की व्यवस्था में भागीदारी, किसी अवस्था की व्यवस्था में भागीदारी जितनी स्पष्ट हुई उसके साथ उस अवस्था की स्वयं में व्यवस्था भी स्पष्ट हुई, ये साथ साथ चलते रहते हैं। फिर किसी पॉइंट पे हमारी प्रेरणा बनती है कि पूरे अस्तित्व को सहस्तित्व रूप में देखा जाए, क्योंकि उससे पहले की सारी तैयारी हो चुकी है, परंतु यह संपृक्तता को न देख पाने के कारण अभी उसमें अपूर्णता लगती है। तो ये काम अपने आप में ही होना है, स्वयं द्वारा ही होना है। तो इसको अपने आप में ऑब्जर्व करने की बात है। सेल्फ के बारे में हम लोगों ने काफी विस्तार से बात की है, यहाँ उसको हम एक बार रिकैप कर रहे हैं। तो स्वयं की क्रियाओं के लिए हम लोगों ने मॉड्यूल 1 में ही काफी विस्तार से बात कर लिया था, मॉड्यूल 3 में उसको फिर से रिकैप कर रहे हैं। जब अभ्यास 1 और अभ्यास 2 तो हम लोग लगभग पूरा कर चुके हैं। अभ्यास 1 तो हम लोगों ने पूरा कर लिया था, अभ्यास 2 में स्टेप 7 पे काम अभी शेष है। तो एक्टिविटीज ऑफ द सेल्फ को देखें तो ये 10 क्रियाएं दिखाई देती हैं। कुछ क्रियाओं के लिए लिखा स्थिति क्रिया, कुछ क्रियाओं के लिए लिखा गति क्रिया। तो स्थिति क्रिया मतलब जो मुझमें स्थित होता है। तो चिंतन, व्यवस्था में भागीदारी, मैंने देखा और मुझमें स्थित हो गया, ये चिंतन है। किसी इकाई की स्वयं में व्यवस्था, मैं देख पाया और मुझमें स्थित हो गया, है ना, ये बोध है। संपृक्तता को मैं देख पाया, मुझमें स्थित हो गया, ये स्थिति क्रिया है। इसके आधार पर जो निर्णय होता है मेरा स्वयं में, जो गति बनती है कि अब ऐसे जीना है, अब कल्पनाशीलता की ये दिशा होगी, है ना, मेरे आचरण की ये दिशा होगी, मेरी भागीदारी की ये दिशा होगी, इस गति को हमने गति क्रिया कहा। तो जब हमको अस्तित्व सहस्तित्व के रूप में दिखाई दिया तो उसके आधार पर एक निर्णय होता है। अब हमें पूरा अस्तित्व जैसा वैसा दिख गया है ना, तो पूरी कल्पनाशीलता उसी अर्थ में सज जाएगी। ये जो निर्णय मेरे अंदर हुआ उसको प्रमाण कहा। वैसे बोध, जब मुझे प्रकृति की व्यवस्था दिखती है तो उसके साथ जीने का निर्णय क्या होगा ये स्वयं में घटित होता है, उसको संकल्प कहा। वैसे चिंतन के साथ मेरा पूरा जो चित्रण होता है संबंध पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक, शास्त्र पूर्वक जीने का होता है, ये उसका प्रमाण मिलता है चित्रण में, जो उसकी गति है। इसी प्रकार से नीचे क्रिया घटित होती है। जी, मुझे लगता है इन शब्दों को लेकर अब कोई आपके अंदर प्रश्न नहीं रहा होगा। अगर कोई प्रश्न है तो आप बता दीजिए। जितने भी शब्द हैं इसमें, गति क्रिया, स्थिति क्रिया, ये 10 क्रियाएं जो लिखी हैं, आशा, विचार, इच्छा। जी, कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो ज्ञान का मतलब है अवेकनिंग टू द हायर एक्टिविटीज ऑफ द सेल्फ। भैया, इसमें ये जो इच्छा विचार आशा वाला जो बताया आपने, इसमें जो चयन आस्वादन वाला है जी, तो ये जो चयन आस्वादन वाला पे है, तो अगर मैं अपने में देखता हूँ तो अब जैसे देख पाता तो बहुत सारे जो दिन में जो कार्य होते हैं वो चयन आस्वादन के ऊपर ही होते हैं, ऊपर की गति हो नहीं पा रही है, या फिर मैं देख नहीं पा रहा हूँ ऐसा। जी, तो उसमें अपने को देखना है कि अभी हमें सुख कहाँ दिख रहा है, कोई अनुकूल संवेदना पाने में, कोई अनुकूल भाव पाने में दूसरे से, बाहर कोई सुख का स्रोत दिख रहा है तो आस्वादन से प्रेरित हो रहा है, ये कैसे होगा, है ना, उसको लेकर हम जरा विचार भी कर रहे हैं तो यहाँ पे जी रहे हैं। और भाव के स्तर पे हम जब सजग हो पाते हैं निर्वाह में, अपने व्यवहार में, अपने कार्य में, तो भाव की प्रधानता बनती है। तो अगर नहीं हो पा रहा तो उसके लिए फिर ध्यान देंगे। इनफैक्ट हम वही करते हैं जहां हमको सुख लगता है, तो बाहर से कुछ मिल जाए ताकि हम सुखी हो जाए, ऐसी अगर कल्पना है तो आसाधन से प्रेरित है। बट स्वयं में कुछ निश्चित करना है तो फिर हम ऊपर की गति करने लगते हैं। ये हमको अपने आप में ही एक देखने की बात है कि हम स्वयं में कोई निर्णय लेना है, स्वयं में कुछ निश्चित करना है, इसको देख पा रहे या नहीं, या बाहरी चीजों को अनुकूल बनाने में लगेंगे। जी, यह पिछली स्लाइड पे जो संकल्प क्रिया है,
थोड़ा सा उसमें कई बार मैं कंफ्यूज जाता हूँ, थोड़ा सा उसपे और दो लाइन बोल दें आप। क्या है पिछले स्लाइड में? संकल्प, संकल्प क्रिया है ना भैया? संकल्प। जी जी संकल्प का मतलब है, अगर लिटरली देखें तो संपूर्णता के अर्थ में कल्पनाशीलता का निश्चित होना। तो ये जो निर्णय मेरे अंदर होता है, जैसे हमें प्रकृति की व्यवस्था समझ में आई, कुछ भी जितना भी समझ में आया, उसके अंदर निर्णय तो मेरे अंदर बनेगा ना। जैसे हमें ये समझ में आया कि पेड़ पौधे जो है ये जड़ है, हमको दिखा ठीक, इसमें चैतन्य नहीं है, तो उसके यहाँ पे निर्णय तो होगा ना। पशु पक्षी है, इसमें चैतन्य भी है जड़ भी है, जिस क्षण मुझे दिखा उसका निर्णय तो होगा ही ना। वैसे ही प्रकृति किसी अवस्था को ले, उसका मुझे स्वभाव दिखा, उसका मुझे स्वयं में व्यवस्था दिखाई दिया, तो इन सबके आधार पर मेरे में निर्णय तो होगा ही ना। तो जैसे हमें कोई इकाई की या अवस्था की स्वयं में व्यवस्था दिखाई देती है, उसके आधार पर मेरे अंदर निर्णय होता है, वो तो हर क्षण होगा। अगर हमारे अंदर कुछ भी देखे तो जो भी हमारे अंदर भाव होता है उसके आधार पर निर्णय होता है, विचार चलता है उसका भी निर्णय होता है, होता ही है। तो कोई व्यवस्था दिखी हमको, समझ में आई, बोध हुआ उसका, तो उसका निर्णय होगा, वो निर्णय संकल्प है। तो भैया यही तो चिंतन है ना, चिंतन में भी यही तो व्यवस्था की तो दिख रही है, या मैं गलत? चिंतन में भागीदारी दिख रही है। अच्छा ठीक, संबंध दिख रहा है, स्वभाव दिख रहा है, भागीदारी दिख रही है, बोध में व्यवस्था। इनफैक्ट किसी भी इकाई को देखें तो स्वयं में एक व्यवस्था है, अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। तो ये जो भागीदारी दिखना है ये चिंतन नाम दिया। इनफैक्ट ये जो आंशिक रूप से दिखना है इसको एक शब्द देते हैं साक्षात्कार। जी आंशिक रूप से दिखना शुरू हुआ है ना, इतना दिख गया, फिर इतना दिख गया, फिर आगे दिख गया, और जितना साक्षात्कार में आया उसके आधार पर साक्षात्कार बोध हुआ है ना, बोध में उतना घटित हुआ। तो ये दोनों साथ साथ घटित होते रहते हैं, इकाई की स्वयं में व्यवस्था दिखना और स्वयं व्यवस्था में भागीदारी दिखना, दोनों साथ साथ चलता रहता है। तो भैया अभी के लिए ये कंक्लूड कर ले कि व्यवस्था में भागीदारी जो है वो चिंतन में दिखेगा और व्यवस्था जो है बोध में, ऐसा कर सकते? बिल्कुल 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 ठीक है, थैंक यू भैया। ये गति क्रिया और स्थिति क्रिया को थोड़ा एक बार और बता दें प्लीज। देखिए जो निर्णय वाला भाग है वो गति है, और स्वयं में जो दिख जाना है वो स्थिति है। तो जैसे मेरे अंदर कोई भाव स्थापित हुआ, विश्वास का भाव, मुझे दिख गया कि हर मनुष्य सुखी होना चाहता, सुखी करना चाहता है, जब दिख गया तो निर्णय तो होगा ना। अब मेरे अंदर जो भाव बनेंगे किसी व्यक्ति को लेकर, उसके निर्वाह को लेकर, इस समझ के साथ है ना, इस भाव के साथ ही बनेंगे, तो वो नीचे क्रियाओं को गति भी देगा। तो गति का मतलब है कि वहां एक निर्णय हो रहा है ना, उसमें डायनेमिज्म आ रहा है। तो किसी भी समय देखे तो हम स्वयं में एक स्थिति में होते हैं और बाकी इकाइयों के साथ एक गति में होते हैं, भागीदारी कर रहे होते हैं है ना। तो स्वयं में हमारी एक स्थिति होती है और बाकी सबके साथ हमारी गति होती है। तो स्वयं में हम एक व्यवस्था के रूप में है, अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। तो ये तो साथ साथ चलेगा, स्थिति और गति दोनों साथ साथ चलेंगे ना। अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं है भैया, पर फिर भी आई ओपन इट। जैसे भी आप देखिए, जैसे आपको ये बात दिख गई कि मैं शरीर से भिन्न हूं, जिस क्षण आपको दिख जाएगा ठीक है ना, अब उसके आधार पर तो जीने का निर्णय होगा। अभी अपने आपको शरीर मानकर तो विचार करेंगे ही नहीं ना। अभी शरीर की सामयिकता में अपने को तो देखेंगे ही नहीं कि क्या हो रहा है मेरे अंदर, ये विचारों में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, ये उसका निर्णय है। अच्छा। हमें दिख गया कि पेड़ पौधे में सेल्फ नहीं है, पशु पक्षी में सेल्फ है। अब जब मैं इनके साथ निर्वाह करने जाऊंगा तो एक निर्णय तो होगा ना कि पेड़ पौधे के साथ क्या करना है। पेड़ पौधे को काटना है भाई, काट दिया हमने, पशुओं को काटना नहीं काटेंगे, उसमें सेल्फ दिखाई दे रहा है। तो मेरी कल्पनाशीलता में पहले निर्णय तो होगा कि पशु पक्षी को नहीं काटना है, पेड़ पौधे को काट सकते हैं, लगा भी देंगे पेड़ पौधे को। हाँ, विचारों में डिफरेंस आना और विचारों में ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये निर्णय हुआ। सिर्फ विचार में ही नहीं है, हर स्थिति के साथ गति जुड़ा हुआ है, वो तो डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति में क्या है। अच्छा। तो बोध के साथ संकल्प जुड़ा हुआ है, आपको व्यवस्था दिखेगी तो उस व्यवस्था को दिखने के साथ ही तो जीने के निर्णय होंगे आपके।
आपको संपृक्तता दिखेगी, उसके साथ ही तो आपको नित्य वर्तमानता के साथ पूरा जीने का निर्णय होगा कि नहीं होगा। मानिए इतना माइन्यूटली साथ साथ चल रहा है कि इसको अलग करके देखना, ठीक है अभी अभी समझ में आ रहा है भैया जी। अभी भी आप देखो तो जैसे आप अपने में एक स्थिति में है, जैसे आपके अंदर कुछ प्रश्न बना, कुछ समझने की इच्छा हुई है ना, कुछ आपके अंदर विचार चला और फिर ये निर्णय हुआ कि प्रश्न करना है, तो कुछ प्रश्न नहीं करना तो भी एक निर्णय है कि अभी नहीं करना है, तो हमारे अंदर निर्णय तो होते ही रहते हैं ना। मैंने समझा और फिर निर्णय लिया कि करना क्या है। जी 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 थैंक यू भैया। सिर्फ करना ही नहीं, इनफैक्ट ऊपर क्रियाओं तक देखेंगे तो स्वयं में भी जो कुछ क्रियाशीलता होनी है उन सब को लेकर करना, तो जैसे कई बार बाहर जो हम व्यवहार कार्य कर रहे हैं उसको लेकर ही बोल रहे हैं, परंतु स्वयं में भी तो एक निर्णय हो रहा है, हमारे भाव का निर्णय हो रहा है। एक बार हमें विश्वास का भाव दिख गया चिंतन में, तो चित्रण में जो अब भाव का निर्णय होगा, हम लोग जो अभ्यास एक में बात करते हैं कि भाव मेरा निर्णय है, वो निर्णय अब चिंतन के साथ होगा। ये जो आप बता रहे थे भैया अभी, तो हम हमेशा स्थिति क्रिया से गति क्रिया की ओर जाएंगे क्या? मतलब ये पैरेलल जाएंगे, लेकिन पहले तो हमारी स्थिति बनेगी, मतलब हमारी समझ बनेगी, तभी जाके गति क्रिया आएगी, है ना? कोई अभी समझने के बाद तो एक निश्चित क्रम होगा, अभी तो रैंडम हो सकता है। अच्छा, मतलब पहले ऐसे हो सकता है कि हम किसी चीज पे रिएक्ट कर दे और बाद में उसको समझे। हाँ हाँ बिल्कुल, तभी तो रैंडमनेस है ही है। हाँ कई बार ही होता है, हम पहले रिएक्ट कर देते हैं किसी भी चीज को, फिर बाद में जब शांत होते हैं तो सोचते हैं तो हमको पता चलता है कि अरे ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमने गलत समझा वगैरह, होता है जी। ये हो सकता है, पहले चयन हो गया फिर बाद में उसका हम आस्वादन कर रहे हैं, फिर बाद में जाकर हम उसमें है ना और विचार कर रहे हैं, चयन पहले हो गया हमारा कि नहीं। लेकिन होना तो वही चाहिए, पहले स्थिति क्रिया आपकी बननी चाहिए, तभी आपने गति क्रिया में जाना चाहिए, लॉजिकली ये होना चाहिए, है ना? देखिए अगर ब्लॉक B1 एक्टिव है तो निश्चित क्रम दिखाई देगा, ब्लॉक B1 के लिए काम कर रहे हैं तो भी एक निश्चित क्रम दिखाई देगा, बट यदि बेहोशी में जी रहे हैं तो कुछ भी चलता रहता है कल्पनाशीलता में। भैया अभी क्वेश्चन के आंसर में बात हुई थी उसी से रेफरेंस में है कि बाहर से संवेदना पाकर या बाहर की संवेदना में हम सुख देख रहे हैं, तो ये जो क्रिया है चयन आस्वादन के ऊपर है, आस्वादन और चयन पर है आधारित, लेकिन बाहर से जो हम भाव पाके सुखी होने की जो कार्यक्रम है या जो हम कर रहे हैं वो भी भैया चयन आस्वादन के तल पर है कि वो इच्छा तक जाएगा? अब वो हमको स्वयं में ही देखना है कि अभी हमारी क्रियाशीलता किस रूप में है। देखिए स्वयं में अगर हम देखें तो अगर हम भाव के स्तर पर सजग हैं, भाव के स्तर पर हम चित्रित कर पा रहे हैं जी। तो ये जो बाहर की ओर बार बार लौट के देखना है फिर उसका जो फीडबैक आ रहा है उससे प्रभावित होना है वो नहीं होगा, फिर तो हम भाव को अपने अंदर चित्रित करेंगे ना, चाहे गलत हो चाहे सही हो, हम बैठे बैठे बदले की आग में जल रहे हैं, है ना, और उस बदले की भावना के साथ हम किसी के प्रति विचार कर रहे हैं जी। अब वहां पे वो आस्वादन से प्रेरित नहीं हो रहा है बार बार जी, हम उसी को लेकर पूरी अपनी कल्पनाशीलता को दोहरा रहे हैं, हमने कसम खाई है कि इन्होंने हमारा हित किया था, अब इनको हम जिंदगी भर लगा देंगे इनको बर्बाद करने में, तो अब वहां पे विरोध का भाव है बट वो प्रेरणा वहां से बन रही है। बट हम कहीं गए हैं पार्टी में, ठीक है ना, एक कपड़ा पहना हमने जो हमको लगता है कि बहुत अट्रैक्टिव है, अभी देखिए ना इसमें बहुत सारे जो आजकल वो शॉर्ट वीडियोज भी आते रहते हैं सब, तो उसमें बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट करते रहते हैं लोग, तो अब दूसरे से कोई भाव मिल जाए, दूसरा हमारी तारीफ कर दे, दूसरा हमारा ध्यान दे दे, दूसरा हमें अप्रिशिएट कर दे, अब वो हमारा पूरा समय ध्यान वहां लगा है बाहर। अब अगर नहीं मिला वो ध्यान या वो जो सम्मान की अपेक्षा थी नहीं पूरी हुई, अब घर लौटे तो बैठ के पूरा उसके ऊपर चित्रित कर रहे हैं क्या करना है या विचार कर रहे हैं, तो शायद पूरा समय लगे उसमें विचार कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं बैठा तो। बट यदि हम देखें तो कई बार हम दूसरे से अनुकूल भाव पाने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, कोई कपड़ा पहना और दूसरे का ध्यान खींच ले, है ना जी, या कोई संवेदना मिल जाए बाहर से
किसी प्रकार की संवेदना मिल जाए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उससे लेकर बहुत ज्यादा हम प्रेरित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हम उसके लिए प्रभावित हो जाते हैं। तो उस समय हम आस्वादन से बहुत ज्यादा प्रभावित है, किसी क्षण में विचार ज्यादा कर रहे हैं बैठ के, कभी भाव पे सजग हुए तो भाव को लेकर हमने फिर विचार किया तो भाव पे ज्यादा सजग हुए। ये स्थितियां हमारे अंदर ऐसा नहीं कि एक बार है तो, बट ओवरऑल अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि अभी हमारे जीने का स्तर क्या है, इच्छा के स्तर पे जी रहे हैं कि विचार के स्तर पे कि आस्वादन के स्तर पे। जी जी, तो भैया ये सामान्य भाषा बोलते हैं ना कि नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी, अब ये सब जो बातें हैं इसलिए आती है क्योंकि हम आस्वादन से प्रेरित थे, आस्वादन पूरा नहीं हुआ तो फिर कहना शुरू करते हैं एक्सपेक्टेशन ही ना करो, एक सामान्य सी भाषा मिल जाती है। तो भैया बाहर से चाहे संवेदना हो चाहे भाव हो, ये कई बार उसमें डोमिनेशन होगा, कभी आस्वादन के तल पर ही होगा तो कभी वो चित्रण तक भी जा सकता है और इस तरह से ऊपर नीचे होता रहता है। चित्रण में कुछ संस्कार बैठा हुआ है, यही सुखपूर्वक जीने का तरीका है, हमको भले ही पता ना हो कि नहीं, तो हमें पता नहीं है वो संस्कार रूप में काम कर रहा है, हमको लगता है यही लाइफ स्टाइल है। ठीक, अभी आप देखिए ये बच्चे जो है पार्टी करते हैं ना, उसके हिसाब से रंग रोहन करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उसी को सेलिब्रेशन कहते हैं। ठीक, और कितना उसके लिए वो दिखा, दूर से अगर देखें कि बच्चों के अंदर क्या चल रहा हो कल्पनाशीलता में, तो आपको दिखाई देता है कि कितने व्याकुल हैं, रेस्टलेस हैं। जो मैं देख पा रहा हूँ वो, जो मैं देख पा रहा हूँ मेरा ऑब्जर्वेशन जो वो है कि जो एनिमल है जीव अवस्था है वहाँ मोस्टली चयन आस्वादन वाली प्रक्रिया एक्टिव है, और कहीं मैंने इसी कंटेंट में किसी प्रबोधक से सुना कि विचार, थोड़ा विचार भी हो सकता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन ऑर्डर है वहाँ, क्योंकि ये तीन तो संभावनाएं है ही, ये चल ही रहा है, तो आस्वादन वाला पार्ट भी जो भी है जाए सुपरफिशियल है तब भी वो उसमें इन्वॉल्वमेंट चित्र विचार और चित्रण का होता ही है। हाँ, होता ही है बिल्कुल। तो हम ऐसा नहीं कि इच्छा के स्तर पर जरा सा भी आकिब नहीं है, बहुत सारे जो हमारे मान्यताएं हैं वो बैठी हुई है वहां पे काम कर रही है, बट हमारा एक्टिविटी लेवल क्या है। जी 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 भैया जी, हाँ वो तो मतलब उसमें कितना एक्टिव है वो तो हर क्रिया में हम देख रहे हैं कि वो एक्टिव हुई या नहीं हुई है। भाई हम लोग कहते हैं सुख की आशा होना, सुख का विचार करना और सुख की इच्छा होना, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। सुख की आशा बाहर से कुछ मिल जाए ताकि हम सुखी हो जाए जी, है ना, विचार मतलब हम सुख को लेकर विचार कर रहे हैं कि क्या कैसे जीना बनता है, उसको लेकर हम विचार कर रहे हैं लाइफ में प्रोफेशन में। और इच्छा होना मतलब हम सुख के आधार को जाकर अपने आप में लोकेट कर रहे हैं, एक विजन डेवलप कर रहे हैं। जी जी भैया, काफी काफी मतलब क्लियर हुआ है पूरा। और इससे पहले एक और बात आपने रखी थी वो भी काफी हद तक अभी समझ में आ रही है कि चिंतन की जो हम बात कर रहे हैं तो व्यवस्था में भागीदारी, और वो हम व्यवस्था में भागीदारी करके इसको देख भी पा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन भी होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा चित्रण चलने लगता है। फिर हम जो स्वयं में व्यवस्था है उसको देखते हैं तो उतना उतना बोध होता है जितना हमें दिखाई देता है, और उतना ही हमारा संकल्प बढ़ने लगता है जी। अब जब हम वहां बात कर रहे हैं भैया अनुभव के तल पर, तो संपृक्तता को देख पाना, तो बोध तक तो भैया थोड़ा सा पहुंच पाते हैं, देख हो पाता है, लेकिन जो संपृक्तता है उसको देख पाना या उसको जो अनुभव की बात कर रहे हैं वो भैया, ये भी इसी प्रोसेस में होगा या इसके लिए कुछ और विधि होती है? हम जो दृष्टा भाव है, क्या दृष्टा भाव हमारे को अनुभव की तरफ ले जाता है भैया? अगर हम जितना समय अवेयरनेस के साथ दृष्टा भाव में बने रहते हैं वही उसको एक्टिव करता है अनुभव को? देखिए अभी भी हम देखें तो उसके लिए जो तैयारी करनी है वो तो नहीं हुई है, ऐसा हो सकता है जी, तो अभी हमको कहाँ लगता है कि ये शून्य को देखने से मैं, मेरा परिवार, ये सब सुखी हो जाएंगे, अभी हमको तो सुख कहीं और लगता है जी जी। तो जब उसकी प्रायोरिटी नहीं बनी तो नहीं दिखता है, प्रायोरिटी बनेगी दिखेगा, बट प्रायोरिटी बनने के लिए भी जो पूरा अपना एक अपने अंदर तैयारी होनी है वो काम हो सकता है शेष है, उसको करना होगा जी। तो ये जो सेवंथ स्टेप में है कि जो शरीर है वो भी शून्य में संकल्प है और संपृक्त है जी, सेल्फ भी है, अभी ये सब बोल भी रहे हैं ना हम लोग, तो ये विचार के स्तर पे ज्यादा काम हो रहा है जी भैया, लेकिन इस स्टेप पे अगर हम पूरा ध्यान रख पाते हैं तो ही वो धीरे धीरे प्रगाढ़ होगा ना भैया? हाँ, वही प्रोसेस तो फील भी करना शुरू करते हैं, इस इकाई का होना, प्रकृति का होना,
अस्तित्व का नित्य वर्तमान होना, इसको हम फील भी कर पाते हैं जो अपने आप में, उसके लिए और तैयारी बढ़ती है। तो अभी हम जो फील करते हैं उससे कुछ अन्यत्र ही जाता रहता है, हमारी फीलिंग भाव हमारा अन्यत्र रहता है, अभी इन मुद्दों पे ध्यान ही नहीं जाता। हाँ भैया, वो तो अवेयरनेस गई तो हम फिर वापस सीधा नीचे आते हैं, अदरवाइज अवेयरनेस बनी रहती है तो थोड़ा थोड़ा ये भी महसूस तो होने लगता है, दिख पाने में थोड़ा समय लगता है लेकिन एक महसूस होना शुरू हो जाता है। जी भैया, ठीक है भैया, थैंक यू। तो ज्ञान कहा कि एसेंशियली अगर हम देखें तो वास्तविकता, अस्तित्व तो जैसा है उसको वैसा ही देख पाना है ना, और उस भाग को देख पाना जो निश्चित है, निरंतर है, सार्वभौमिक है, और वो क्या है, इकाई का स्वभाव देख पाना, बोध देख पाना, सॉरी धर्म देख पाना, परम धर्म यानी सहस्तित्व को देख पाना, ये ज्ञान है। इकाई का स्वभाव, धर्म, परम धर्म देख पाना, ये ज्ञान है जी। तो स्वभाव हमें चिंतन में दिखाई देता है, धर्म हमें बोध में दिखाई देता है, और सहस्तित्व हमें अनुभव में दिखाई देता है। तो स्वभाव का मतलब है अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी, संबंध। धर्म का मतलब स्वत्व यानी व्यवस्था, और सहस्तित्व मतलब संपृक्तता, ये देखने की वस्तु है, यही ज्ञान की वस्तु है। तो देखने जाते हैं तो ये नौ वस्तुएं अपने को देखने की दिखाई देती हैं, चारों अवस्थाओं की अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी दिख जाए, चारों अवस्थाओं की स्वयं में व्यवस्था दिख जाए, और सहस्तित्व दिख जाए, यही नौ मुद्दे हैं। बट देखने जाएंगे तो ऐसा आपको डिस्टिंक्ट बाउंड्री जैसा नहीं दिखता है कि ये नौ मुद्दे हैं, बट एसेंशियली देखें तो इतना ही है कि नहीं। तो ज्ञान निश्चित है, ज्ञान पूरा हो सकता है, ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो है ना कभी पूरी ना हो। कई बार हम ये भी मान लेते हैं, अगर हम देखें तो जब तक इस तरह की वस्तु का हमसे परिचय ना हो, हम इतने फैल कर, इतने बारीकी से, इतने वर्गीकृत करके वास्तविकता का हम बारे बात ना कर जाते, सब कुछ धुंधला धुंधला सा लगता है। हमको ज्ञान लगता कोई अपार चीज है ना, सागर में एक बूंद जाना है मैंने, पूरा सागर तो अथाह है, यही सब बहुत सारी बातें भी हम करते रहते हैं, ठीक है ना। और फिर ज्ञान हमारे एक रहस्य बना रहता है, जो ज्ञानी हुए वो हमारे रहस्य बने रहते हैं। फिर जब शिक्षा में लाने की बात होती है तो कहते हैं कि भाई ये कैसे पूरा होगा, ये तो एक अलग ही लाइन है, इसके लिए तो परिवार संसार छोड़कर जो इसमें डूबेगा लगेगा उसको ज्ञान होगा। तो अभी हमारे लिए ज्ञान एक रहस्य बना हुआ था, ऐसा हो सकता है, अब दिखता है नहीं, ज्ञान अपने आप में निश्चित बात है, हम उन पर सटीकता से बात कर सकते हैं, एक एक मुद्दे पे बात कर सकते हैं, और ये भी कह पाते हैं कि अब कुछ भी शेष नहीं रहा, सब कुछ के बारे में बात कर लिया। तो ये चार है ना अवस्थाएं हैं, चार अवस्थाओं की स्वयं में व्यवस्था है, और व्यवस्था में भागीदारी है, और इनकी संपृक्तता है, इतना ही कुल देखने का मुद्दा है। उन्हीं चार अवस्थाओं में हम हैं, तो जब चार अवस्थाओं का ज्ञान होता है तो हमें अपना स्वयं का भी ज्ञान होता है, बट शुरुआत स्वयं से होती है, तो एक आश्वस्ति मिलती है, और शिक्षा के लिए बहुत उपलब्धि की बात है। जहाँ ज्ञान अपने आप में एक रहस्य बना हुआ रहता है, जहाँ असीम लगता है, जो कभी पूरा नहीं होगा, कभी उसमें पूर्णता नहीं होगी, उसके स्थान पर हमें एक संभावना दिखाई देती है कि नहीं, पूरा हो सकता है, निश्चित है, हर व्यक्ति तक पहुंच सकता है, हर में जानने की क्षमता है, ऐसा नहीं समाज के कुछ ही लोगों को ज्ञान होगा। कई बार ऐसा हम देखने में, कई बार ऐसा मानने में चूक कर लेते हैं, तब वो लगता है कि भाई ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जो समाज के कुछ ही लोगों को हो सकता है, तो वो कुछ लोग होंगे जो ज्ञानी कहलाएंगे, वो बाकी सब समाज उनके पीछे चलेंगे, अनुसरण करेंगे, अनुकरण करेंगे उनका, तो ऐसा नहीं है। अपने को दिखाई दे रहा है कि शिक्षा विधि द्वारा हर व्यक्ति में चिंतन हो सकता है, बोध हो सकता है, अनुभव हो सकता है, उसमें शरीर का कोई मेजर रोल नहीं है, उसमें सुविधा का कोई मेजर रोल नहीं है, फैसिलिटेशन हो सकता है थोड़ा बहुत है ना, बट कोई मेजर रोल नहीं है, क्योंकि काम स्वयं में, स्वयं के द्वारा होना है। तो इस पे हम लोगों ने चार्ट को सामने रख के बात किया था। तो चार अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, हर एक अवस्था की स्वयं में व्यवस्था है। तो पदार्थ अवस्था के बारे में देखा था, उसका धर्म क्या है यानी धारणा क्या है, यानी स्वयं में व्यवस्था क्या है, अस्तित्व बना रहता है, इससे कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। अगर हमको दिखाई दे कि पदार्थ अवस्था का जो धर्म है वो अस्तित्व है,
यानी हमेशा से था, है और रहेगा। तो बहुत सारे जो हमारे अंदर मान्यता है पहले से या संस्कार काम कर रहे हैं कि कोई क्रिएटर है, कोई रचयिता है ना, उसने इस पूरे संसार को बनाया है और फिर कुछ ऐसा है, फिर है ना कभी ये नष्ट भी हो सकता है। इन सारी मान्यताओं से हम निकल पाते हैं क्योंकि पदार्थ का धर्म यानी धारणा ही अस्तित्व है, मतलब हमेशा से था, ये पदार्थ है और हमेशा ही रहेगा, अधिक से अधिक इसमें रचना भी रचना होगी, अस्तित्व है ये, है ना, कोई रचना नहीं है, अस्तित्व में रचनाएं भी रचनाएं हो रही है वो ठीक है, परंतु ये हमेशा से था है और रहेगा। ये भाव जब हमारे अंदर विकसित होता है तो हम बहुत सारे मान्यताओं से जो उल्टी पुल्टी मान्यता हमें बना ली होगी है ना उससे हम निकल पाते हैं और हमें फिर इसका स्वभाव भी दिखाई देता है पदार्थ का संगठन विघटन के रूप में कि जो कुछ पदार्थ में हो रहा है जुड़कर कुछ बड़ी काई बन रही है, टूट कर छोटी काई बन रही है। तो ये हो सकता है पृथ्वी है ना में बहुत सारा संगठन विघटन हुआ इससे आज उस तरह से हरी भरी है, आज से अरबों साल पहले ऐसी नहीं थी, आज से अरबों साल बाद हो सकता है ऐसी नहीं होगी, ये सारी संभावनाएं हो सकती है, परंतु अल्टीमेटली अस्तित्व बना रहेगा इस पृथ्वी का, पृथ्वी के हर एक कण का अस्तित्व बना रहेगा और होगा जो भी उसमें संगठन विघटन जुड़ा रहेगा। वैसे हम पेड़ पौधे को देखें तो उनका भी हमको धर्म और स्वभाव दिखाई देता है, तो एक तो अस्तित्व है क्योंकि ये जो पेड़ पौधे हैं ना प्राणावस्था इकाइयां हैं, पेड़ पौधे के या प्राणावस्था इकाई है ना है उसके बारे में देखे तो वो पदार्थ से ही मिलकर बना हुआ है, साथ में उसका श्वसन प्रशसन हो रहा है और उसके साथ पुष्टि हो रही है, तो इसका जो धारणा है वो पुष्टि है कि जब तक प्राण है पुष्टि होती रहेगी, यही चीज हमको अपने शरीर में भी दिखाई देता है, प्राण है शरीर में तो पुष्टि होती रहेगी। तो यहाँ पे देखें तो जो धर्म है वो अस्तित्व तो है ही यानी बना रहेगा, जैसे हमारा शरीर है अभी मेरे साथ है, कुछ सालों बाद मिट्टी मिल जाएगा, कई सालों पहले मिट्टी में ही था कि नहीं अभी मेरे साथ है शरीर रूप में, पहले पदार्थ के रूप में था ना, अभी प्राणावस्था इकाई के रूप में काम कर रहा है, कुछ समय बाद वापस पदार्थ मिल जाएगा, तो अस्तित्व भी है पुष्टि भी है प्राणावस्था में। अगर इसमें स्वभाव के रूप में देखें तो संगठन विघटन के साथ सारक मारक है, इस पर हमने विस्तार से बात किया था, सारक मतलब पोषण करना, मारक मतलब उसका अवशोषण करना, एब्जॉर्ब करना, तो नर्चर करना वर्षण करना, हमने कोई चीज पौष्टिक खाई शरीर ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो शरीर के लिए वो तो सारक हो गया, शरीर को उसने पुष्ट किया, बट मेरा शरीर उसके लिए मारक हो गया, उसने सारे रस को सोख लिया शरीर ने, हमने कोई सब्जी खाई सब्जी पचा लिया हमने, हमारे शरीर ने उसके सारे रस को सोख लिया, तो शरीर के लिए तो वो सारक हुआ बट मेरा शरीर उसके लिए मारक हुआ, इतना ही निर्वाह होता है। वैसी जीव अवस्था में देखें तो मैं है और शरीर है, तो मैं में अगर धर्म देखें तो जीने की आशा है, जीना चाहता है, जीना चाहता है बने रहना चाहता है, तो अभी आप देखें तो पशु बने रहने के लिए बहुत सारा आचरण कर रहा है ना, भयपूर्वक भी जी रहा है, क्रूरता भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, बट जीने की आशा है उसमें, जीना चाहता है। जब मुझे पशु दिखाई देता है समझ में आता है तो मुझे सब अपनी भागीदारी भी दिखाई देती है कि उसकी जीने की आशा को बाधित ना करें, नहीं तो मैं में जीने की आशा है, शरीर में वही क्रियाएं हैं, वही धर्म है जो प्राणावस्था का है। वैसे ही अगर भागीदारी की बात करें स्वभाव की तो शरीर का वही स्वभाव है, संगठन विघटन और सारक मारक जो प्राणावस्था का है। मैं में देखें तो क्रूरता और अक्रूरता दो रूप में भागीदारी दिखाई देती है, तो जो निर्वाह करता है एक पशु या पक्षी दूसरे के साथ या तो क्रूरता पूर्वक करता है या अक्रूरता पूर्वक। मानव की बात करें तो मानव में भी मैं और शरीर है, तो हमारे में सिर्फ जीने की आशा नहीं है, निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा है कि नहीं, शरीर वैसा ही जैसे प्राणावस्था की इकाइयां। और स्वभाव रूप में देखें तो धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा ये भाव दिखाई देते हैं। तो धीरता का मतलब है कि मेरे अंदर जब ज्ञान समाधान होता है तो मैं धीर हो जाता हूँ, मेरे अंदर स्थिरता होती है, मैं हर बार उसी अर्थ में भाव विचार करता हूँ।
जैसे मुझे अगर व्यवस्था का बोध हो गया, प्रकृति की व्यवस्था का बोध हो गया, तो मेरा जो भी भाव तैयार होगा, जो भी मेरा विचार चलेगा, उसी के साथ चलेगा। इसको धीरता कहा। वीरता मतलब दूसरे में भी ज्ञान समाधान हो जाए, उसका भाव विचार मेरे अंदर चल रहा है, ये वीरता है। उसके लिए मैं अपने आप को लगाने को तत्पर हूँ। और उदारता का मतलब कि उसके लिए अपना तन मन धन सब लगाने को तत्पर हूँ, क्या कि दूसरे में ज्ञान समाधान हो जाए, इसको उदारता का। ये मेरा स्वभाव है ना, ये हम इसको नहीं देख पाते हैं, इसके अन्यत्र जीते हैं। तो जब जीव चेतना में जी रहे हैं तो धीरता वीरता उदारता में न जीकर दीनता हीनता क्रूरता ऐसे आचरण के साथ जी रहे, उसको जीव चेतना का। मानव चेतना को देखें तो उसमें धीरता वीरता उदारता है, दया कृपा करुणा है, ये मेरा स्वभाव है। जब हम कह रहे हैं कि सुख स्वभाव है प्रभाव नहीं, अल्टीमेटली इन्हीं भावों में स्थिर होना ही मेरा सुख है। रचना विरचना और संगठन विघटन दोनों में थोड़ा सा और डिफरेंस क्लियर कर दे भैया, थोड़ा मैं इन दोनों को सिमिलर समझता हूँ, जो कि एक तो क्रिया है और एक स्वभाव है। वही तो क्रिया के रूप में देखें तो रचना विरचना है। जैसे हमने एक मकान बनाया तो रचना विरचना हुई ना, मिट्टी तोड़ा, उसका ईंट बनाया, ईंट को ईंट से जोड़ा, तो है ना सब रचना विरचना चल रहा है उसमें। बट अल्टीमेटली देखें तो क्या हुआ, एक मकान तैयार हुआ, एक संगठन हुआ, मिट्टी का विघटन हुआ, मकान का संगठन हुआ, इसी रूप में भागीदारी हुई। तो क्रिया रूप में देखें तो है ही, उस क्रिया के साथ ही तो भागीदारी हो रही है। मतलब क्रिया का ये परिणाम के रूप में आता है भैया स्वभाव, परिणाम से ज्यादा अच्छा उसको भागीदारी ही कहें। अच्छा, परिणाम तो है ही, परिणाम तो हर स्तर पे है। तो भैया बेस में क्रिया रहेगी, उसके अकॉर्डिंग भागीदारी होगी, वही उससे है ना एक व्यवस्था में एक कुछ रूप गुण परिवर्तन हुआ तो वो भागीदारी के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, हमने एक कोई है ना औजार बनाया तो बन के तैयार हुआ ना जी, अब उसका एक नया तरह का रूप और गुण है। वो लोहे का टुकड़ा था, उसको पिघलाया है ना, स्टील बनाया, फिर ये बनाया, अब उससे हमने कोई औजार बना दिया, उससे हमने हल बनाया, ट्रैक्टर बनाया, तो एक नया रूप तैयार हुआ, उसके नए गुण तैयार हुए, तो कुछ घटित हुआ ना जी, तो संगठित हुआ। तो भैया पदार्थ अवस्था की दो यूनिट्स को मिलाने के बाद भी उनके संगठन विघटन में फर्क आता है, दोनों की क्रिया अलग अलग हो सकती है लेकिन दोनों के मिलने के बाद उसका कंपोजिशन डीकम्पोजिशन पे इफेक्ट आएगा। हाँ, भागीदारी में दो तो रहेंगे ही। जी जी, जब भी भागीदारी होगी उसमें दो तो रहेंगे ही। ठीक है भैया, ठीक है सर। इसमें पुष्टि का समझ नहीं आ रहा, क्या पुष्टि, हम पुष्टि को क्या मीनिंग दे रहे हैं, उसका अर्थ नहीं समझ आ रहा। पुष्ट होने, जैसे अभी आपका शरीर देखिए 40 साल पहले कैसा था और अभी कैसा है, तो पुष्ट हुआ कि नहीं? पहले आप सोचता है कि 2 फुट की थी है ना, अभी 6 फुट की हो गई, तो पुष्ट हुआ कि नहीं, ग्रोथ हुआ ना। अच्छा जी, ओके सही। तो बच्चा है छोटा सा है ना, उसका शरीर छोटा है, बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया, तो पुष्ट हुआ ना, ग्रोथ हुआ उसमें। पौधा है छोटा सा है सैपलिंग के रूप में, बढ़ते बढ़ते वृक्ष बन गया। जी जी जी, समझ आ गया सर जी। भैया ये कंटेम्पलेशन एंड रियलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग तो समझ गया, ये दोनों में थोड़ा सा क्लियर कर दे भैया प्लीज। भागीदारी का दिखना चिंतन है, कंटेम्पलेशन है, जैसे आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच में जो संबंध है जी भैया, उसमें जो सहज स्वीकृत भाव है उसका दिखना तो चिंतन है। रियलाइजेशन का मतलब पूरा अस्तित्व किस प्रकार है इसका दिखना रियलाइजेशन, रियलाइजेशन उसके बहुत आगे की स्थिति है। तो हम पूरी प्रकृति को ही शून्य में संपृक्त रूप में देख पाते हैं, ये अनुभव है। चिंतन में तो हम परस्परता में भाव को देख पा रहे हैं जी। तो भैया एक सवाल ये था मेरा कि चिंतन जब तक हमको कुछ समझ में नहीं आता है हम उसके ऊपर चिंतन में नहीं लगे रहते ना, कि थोड़ा वॉइस वर्सा है प्लीज, अंडरस्टैंडिंग और कंटेम्पलेशन। चिंतन
आप फिर से प्रश्न रख दीजिए। चिंतन कई बार हम कहते हैं बैठ के चिंतन कर रहे हैं, हाँ, तो चिंतन हाँ, नहीं है चिंतन। अभी हम चिंतन करने को चिंतन मान लेते हैं, समाज में कोई समस्या है, हमें चिंतन शिविर लगा दिए है ना, बैठ के सब लोग चिंतन कर रहे हैं, उसको वे चिंतन नहीं है जिसको यहाँ कह रहे हैं, वो तो अच्छा। समस्या केंद्र में रख के विचार कर रहे हैं जी। चिंतन का मतलब है व्यवस्था में भागीदारी का दिख पाना। अच्छा, व्यवस्था में भागीदारी का दिख पाना। तो फिर ये जो तीन सिक्वेंसेस दिए है, कंटेम्पलेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन, तो फिर जैसे जैसे हम चिंतन, हाँ भैया, ये बहुत स्वीकृत है, हाँ हाँ हाँ, दिख जा दिखना ये चिंतन है। अच्छा, यानी फर्स्ट स्टेप, नेचुरल स्टेप जिसको बोलेंगे हम, ज्ञान में शुरुआत यहाँ से भागीदारी। अच्छा, के दिखने से, हाँ, फिर धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी जी, और आखिरी में फिर उसकी समझ आएगी, मतलब रियलाइजेशन। बराबर, समझ और बोध वाला चीज, समझ तो पूरे को जोड़ के समझ कर रहे, अंडरस्टैंडिंग जो यहाँ पे लिखा है उसका, यहाँ पे जो शब्द है वो बोध है उसके लिए हिंदी में, तो स्वयं में व्यवस्था का दिखना, हाँ, वो बोध है। व्यवस्था में भागीदारी का दिखना ये चिंतन है। तो मानव क्या है ये दिखना बोध है, मानव मानव बीच में संबंध क्या है ये दिखना चिंतन है जी। जी भैया, ठीक है ठीक है, मतलब थोड़ा सा भैया निकल क्या है, थोड़ा और करते हैं जी। चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न है फिर रिस्पॉन्ड कर देते हैं एक बार जी। चारण सर का प्रश्न है, वीरता एवं उदारता में अंतर। वीरता मतलब जो तत्परता है मेरी भागीदारी की, वो वीरता है। उदारता में थोड़ा और आगे हम बढ़ जाते हैं, उसमें अपना तन मन धन लगाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो वीरता के साथ उदारता घटित होता ही है, परंतु शुरुआत वीरता से होती है, फिर उसमें हम धीरे धीरे अपना तन मन धन और आगे लगाते जाते हैं। मकान बनाने में मिट्टी का विघटन किस रूप में होता है, तो जैसे मिट्टी को हम काटते हैं, जैसे देखिए ईंट बनता है, कैसे ईंट बनता है, जाते हैं हम कहीं पर मिट्टी काटते हैं, मिट्टी को काट रहे हैं, मिट्टी का विघटन हो रहा है, फिर मिट्टी के हम सांचे में ढाल ढाल के ईंट बनाते हैं, वह संगठन हो रहा है। तो मिट्टी को काट रहे हैं ये विघटन है, जोड़ के ईंट बनाया ये संगठन है, अब ईंट को ईंट पे जोड़ा ये आगे एक और संगठन हुआ, मकान बना। वीरता यानी दूसरे के प्रति भाव को सुनिश्चित करना, और उदारता यानी भागीदारी इन लार्जर ऑर्डर। हाँ, तो जो भाव है वो भी भागीदारी ही है, बट यहाँ पे तन मन धन लगाने की बात कर रहे हैं, वहां पे हमारे अंदर भाव रूप में तो स्थापित हो गया है, उसके और आगे जा रहे हैं, इस दोनों साथ साथ ही चलेंगे। जब हमारे अंदर भाव होगा तो अपने आप को लगाएंगे भी, बट जीने में हमको उसकी एक प्रमुखता भी दिखाई देने लगती है कि हम, हमारे अंदर भाव तो है कि भाई समाज के लिए, व्यवस्था के लिए, मानव लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ किया जाए, तो ये भाव तो हमारे अंदर भर जाता है, बट उसके लिए अपना तन मन धन लगा देना है, इसको तैयार होने में थोड़ा समय लग सकता है। तो हमको लगता है बात तो ठीक है ना, बट इसमें अपना धन लगाना है कि नहीं, अपना तन लगाना है कि नहीं, इसमें पूरा समय लगाना है कि नहीं, उसको लेकर हो सकता अभी हम थोड़ा रुके हुए। धीरता मतलब हुआ कि मेरे अंदर समाधान का होना, ज्ञान समाधान का होना, तो मेरे अंदर ज्ञान जितना हो पा रहा है उसके बाद उतना मैं समाधानित होता हूँ, तो मैं उसी के अर्थ में विचार करता हूँ, फिर उससे अन्यथा विचार नहीं करता। जैसे मुझे दिख गया कि इंटेंशन हर व्यक्ति का ठीक होता है, समझ की कमी होती है, अब मेरा जो विचार चलेगा उसके साथ ही चलेगा, तो मैं जब उस व्यक्ति के बारे में विचार को अधीर नहीं हो जाऊंगा, रेस्टलेस नहीं होऊंगा, परेशान दुखी नहीं होऊंगा, अनकंफर्टेबल नहीं होऊंगा, बल्कि मैं सोचूंगा कि अगला व्यक्ति कैसे सेल्फ एक्सप्लोर करे, कैसे अगला व्यक्ति समझ पाए, जांच पाए, जी पाए, ना कि उसके प्रति कोई विरोध का भाव रखेंगे, ये धीरता है। भैया, संयम और धीरता ये सिमिलर तो नहीं होंगे ना भैया? जी, संयम को जिस रूप में यहाँ रख रहे हैं वो तो शरीर के प्रति जिम्मेदारी का भाव है, तो कई बार संयम रखिए, संयम करिए है ना, ऐसा हम लोग बोलते हैं, वो पेशेंस रखिए ऐसा हम लोग बोलते हैं, वहां पर संयम दूसरे अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पे जो हम संयम शब्द को रख रहे हैं, शरीर के प्रति जिम्मेदारी के भाव को रख पा रहे हैं जी भैया। और यहाँ भी धीरता तो है, उस संयम में धीरता तो है ना, ऐसा नहीं कि शरीर में जरा सा कुछ कट पट गया और हम बिल्कुल अधीर हो गए, उल्टा शरीर जड़ है ना, इसमें कटना फटना पहले से चल रहा था, थोड़ा बढ़ गया है। जब हमको जड़ जड़ रूप में दिखाई देता है तो धीर तो हम होते ही हैं, उससे बहुत व्याकुल परेशान नहीं होते, ये तो शरीर में जरा सा कुछ हुआ और हम व्याकुल हो गए है ना, जरा सा सांस फूला और लगा रहे
पता नहीं मेरे हार्ट ठीक से काम कर रहा है, जाके चेकअप कराओ कि नहीं। जी जी हाँ, तो मतलब संयम में धीरता है, और यहाँ जो धीरता की बात कर रहे हैं वो मतलब जी धीरता तो यहाँ हम पूरे ज्ञान समाधान के अर्थ में कह रहे हैं, ज्ञान समाधान जी जी संयम को जब प्रयोग कर रहे हैं शिव शरीर के संबंध में प्रयोग कर रहे हैं। जी 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 धन्यवाद भैया। जी भैया इस स्लाइड में पहले से कंफ्यूजन से इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस कर रहा हूँ जी भैया। अब इसमें बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक में स्वभाव पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर, वो तो समझ में आ गया भैया। इनहेरिटेंस भी समझ में आ रहा है, लेकिन इनहेरिटेंस बेसिस ऑफ डेफिनेट कंडक्ट अक्रॉस जनरेशंस, तो भैया इनहेरिटेंस अगर बेसिस है कंडक्ट का डेफिनेट होने के लिए अक्रॉस जनरेशंस, तो ये कहाँ जो इनेटनेस है भैया उससे कैसे कनेक्ट होगा इनहेरिटेंस? इन दोनों के साथ इनहेरिटेंस है। तो अच्छा इन दोनों नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक के साथ जैसे लिखा हुआ है बीजानुसंग जी है ना, तो बीज की स्वयं में एक व्यवस्था है, अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी है, उसके साथ ही पेड़ पौधे की इतनी सारी प्रजातियां हैं और प्रजातियों में इतना सारा विविधता है और एक निश्चितता भी है आचरण की, कि नीम का जो पौधा है ना उसमें नीम का ही फली निकलता है और नीम की फली में कड़वाहट होती है और वो कड़वाहट शरीर के किसी एक रोग के इलाज में काम आती है, तो अनुसंगीयता बनी हुई ना जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक बीज से वृक्ष, उस वृक्ष से कई बीज, उस बीजों से कई वृक्ष, अब इन सब में एक एक बीज में वृक्ष में उसका स्वभाव बना हुआ है, उसका धर्म बना हुआ है, उसके साथ प्रजाति पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है हजारों सालों से लाखों सालों से। तो भैया शरीर के तल पर हम देखें मतलब जड़ के तल पर हम देखें या तो जो इनहेरिटेंस है उसका इफेक्ट स्वभाव पे पूरा क्लियरली होता है भैया, वैसा ही वो उसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक होता है, लेकिन हम देखें अगर सेल्फ के तल पर तो फिर सही शिक्षा और संस्कार से ही जी। तो अगर हम पशु में देखें तो पशु में चूंकि सेल्फ कम डेवलप्ड है तो बॉडी डोमिनेट करता है जी भैया, पशु में देखें तो सेल्फ कम डेवलप्ड है इसलिए बॉडी डोमिनेट करता है, तो बॉडी की बनावट से पशु का आचरण तय होता है। तो जैसे आप शेर देखें उसके जिस तरह के दांत हैं, जिस तरह के पंजे हैं, जिस तरह की आंतें हैं, तो उससे उसका आचरण तय होता है, क्रूर पशु की तरह आचरण करता है। वही सेल्फ अगर हिरण में चला जाए जो शेर में था तो अक्रूर की तरह आचरण करेगा, क्योंकि जो आचरण है वो शरीर की रचना से तय हो रहा है जी। बट मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है, अगर मेरे अंदर संस्कार सही संस्कार बन गया, ज्ञान समाधान के लिए प्रेरणा बन गई या समाधानित भी हो गए, अब चाहे मैं इस घर में पैदा हूँ चाहे उस घर में पैदा हूँ, चाहे है ना इस प्रजाति में या उस प्रजाति में, मेरा भाव ही मेरे आचरण को तय करेगा, शरीर नहीं जी। जी तो भैया हम यहाँ सेल्फ के तल पर देखें तो जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था में जो ज्ञान अवस्था में जो डेवलपमेंट की संभावना है उसके पीछे शिक्षा संस्कार के थ्रू हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जा सकते हैं, जो कि इस सेल्फ जीव अवस्था वाले सेल्फ के साथ पॉसिबल नहीं है, केवल ज्ञान अवस्था वाले सेल्फ के साथ पॉसिबल है। तो उसके पीछे शरीर की संरचना ही आधार है भैया, क्योंकि जो ब्रेन का डेवलपमेंट है कहीं कहीं उसी का सहयोग मिलता है इसमें। वही तो ब्रेन के डेवलपमेंट के अनुसार इस सेल्फ ने चयन भी किया है, सेल्फ का भी डेवलपमेंट कम है ब्रेन का भी डेवलपमेंट कम है जी जी जी, इसलिए कहते हैं तो, पशुओं को आप ट्रेन कर सकते हैं एजुकेट नहीं कर सकते। हाँ, और जब मनुष्य के हाँ पशुओं को हम ट्रेन करते ही है, उनको हमने कोई चीज सिखा दी है वो बार बार कर रहे हैं, उनके अंदर ये प्रश्न नहीं उठता कि मुझे क्यों करना है। तो आपने शेर को ट्रेन कर दिया कि सामने रिंग है उसमें कूद जाना है, बार बार कूदता रहता है, उसके अंदर वो प्रश्न नहीं बनते। बट मनुष्य को अगर आप कोई काम सौंप दीजिए ओके तुमको दिन भर यही करना है, तो सोचना शुरू करता है यही जिंदगी है क्या, इसीलिए पैदा हुए हैं क्या, ऐसे करते करते मर जाएंगे क्या। अब ये सब भाव विचार पशु में नहीं चलेगा जी जी, जो हमारे में चलता है। हम इतना सारा शोध भी क्यों कर रहे हैं, हमको लगता है भाई एक धरती पे जी रहे हैं, जी के खत्म हो जाएंगे, पूरे ब्रह्मांड को तो हमने जाना ही नहीं, तो हम इस धरती पे रहते हुए पूरे ब्रह्मांड को जानने में लगे हुए। एक पशु ऐसा नहीं सोचेगा, उसका पेट भर जाए पर्याप्त है। तो स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई देता है जीने में, जो अभी हम लोग ज्ञान के लिए काम कर रहे हैं उस पशु के साथ एक संभावना नहीं है इसकी। सुबह उठे थोड़ा सा दौड़े भागे खेले कूदे खाना पीना हुआ,
लेट गए हैं जी जी। तो भैया जो हमने यहाँ फिर इसको ऐसा समझ सकते हैं कि हम कि जो पशु हैं एनिमल जो हैं उसमें क्योंकि चवन चयन आस्वादन की प्रक्रिया ही एक्टिव है, तो जो हम शिक्षा का भी अगर रोल ले तो वहां तक ही उस पर इफेक्टिव होता है, तो वो उसको मान के करने लगता है चयन आस्वादन के तल पर ही। लेकिन बाकी उसी को हाँ तो उसी वो ट्रेनिंग एक तरह से शिक्षा ही हुई भैया, वहां तक हम उसको ट्रेन कर सकते हैं, वो एक तरह से उनके लिए शिक्षा हो गई। अब क्यों कहें एक तरह से और दूसरी तरह से, भाई ट्रेनिंग है उसको शिक्षा हाँ, भी क्यों हाँ, हाँ, तो शिक्षा का मतलब समझना जी 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 जी, उनको हमने एक अभ्यास करा दिया जी, एक आस्वादन का चयन का अभ्यास करा दिया। भाई हमने एक कुत्ते के बच्चे को लाया, उसको पुकारना शुरू किया एक नाम से एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड को सुनकर दौड़ आता है हमारे पास, हमने उसको ट्रेन कर दिया है ना कि बैठना है तो वहीं बैठना है, खाना है तो वहीं खाना है, टॉयलेट करना है तो वहीं जाकर करना है, वो ट्रेन कर दिया, उतना वो करता रहता है बार बार। बीच बीच में उसको बुला के दुलार पुचकार देते हैं, इतने भर से काम हो जाता है कि नहीं जी। तो भैया इसमें जो है क्योंकि पशु में यहाँ तक की ही एक्टिविटी है और मनुष्य में इससे ऊपर की एक्टिविटी की संभावना है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि शरीर की संरचना पर ही आधारित है, क्योंकि सेल्फ तो दोनों में है लेकिन शरीर की संरचना के अकॉर्डिंग ही सेल्फ, जो भी आपने रखा भी था कि सेल्फ भी थोड़ा कम डेवलप है और शरीर का संरचना भी उस तरह का है। भाई जैसे हमारा सेल्फ का जितना डेवलपमेंट हुआ है उसके अनुसार हमने शरीर का चयन किया है। अब वो शरीर से निर्वाह करते करते है ना मुझे उसकी आवश्यकता बढ़ने लगती है। जैसे अगर हम कोई पशु को ही देखें, पशु जिस तरह से जी रहा है भय में जी रहा है, एक पशु आता है उसको भयभीत करता है बार बार और भय में जीता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर ये विचार वाला भाग कुछ सुनने लगता है ना, थोड़ा विश्लेषण करना शुरू करता है, अपने आप को बचाने का तरीका क्या होगा उसका विचार करता है। फिर उसमें और अगर विकास होगा तो उसके अनुसार फिर और विकास जितना हो गया उसके अनुसार शरीर चुनेगा जहाँ इस तरह से जीना ना हो। तो मैं का जितना विकास हुआ उसके अनुसार उसने शरीर चुना, और विकास हुआ और बेहतर शरीर चुना, और विकास हुआ और बेहतर शरीर चुना, और ज्यादा विकास हुआ मानव शरीर चुना, ऐसा चलता है। उस पर निर्भर है या उसके आधार पे है ऐसा नहीं, चुनाव तो मैं ही कर रहा है, चयन तो मैं ही कर रहा है। हाँ भैया ठीक है भैया, अगर थोड़ा सा यहाँ अपन डार्विन थ्योरी को समझें तो कहीं ये मनुष्य के स्ट्रेट खड़े होने पर डिपेंडेंट तो नहीं ब्रेन का विकास है, उसी के अकॉर्डिंग सेल्फ। देखिए डार्विन थ्योरी में जो नेचुरल सिलेक्शन है वो तो ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। डार्विन जो स्टडी किया है ना उसने देखा कैसे नेचुरल सिलेक्शन होता है नेचर में, तो जो अनुकूल बनता है जीने के लिए वो चलता जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी, जो अनुकूल नहीं बनता है वो रुक जाता है मिट जाता है। तो जैसे अभी भी हम देखें तो हमारे बॉडी में भी चेंजेज हो रहे हैं, हमसे दो पीढ़ी पहले लोग सुबह उठ के 4 घंटा 6 घंटा धूप में काम करते थे, 15-20 मील पैदल चलना उनके लिए एक आम सी बात थी, सामान्य सी बात थी, ठीक है ना। अब हमारा जो शरीर है वो ऐसा हो गया कि हम मोबाइल पे ज्यादा एक्टिव हैं, ब्रेन का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, फिंगर्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, हाथ पैर कम चला रहे हैं है ना, शब्दों का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके अनुसार एक नेचुरल सिलेक्शन तो होता ही जाएगा। जो शरीर इस काम को ठीक से कर पाएगा वो शरीर चल पाएगा, जो नहीं कर पाएगा उसको नहीं चल पाएगा। तो नेचुरल सिलेक्शन वाली बात ठीक है डार्विन की, उसमें जो निष्कर्ष निकल के आ गया, अच्छा देखिए पशुओं में भी देखें तो बात ठीक है, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल चल रहा है, जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, शेर संघर्ष कर रहा है जीने के लिए, हिरण भी संघर्ष कर रहा है जीने के लिए, पशुओं तक ठीक है। बट जब पशुओं और पेड़ पौधों को स्टडी करके, और पेड़ पौधों में एक तो सेल्फ की समझ नहीं थी है ना, उसको जो स्टडी किया पशुओं को स्टडी किया और उसमें भी सेल्फ की समझ नहीं थी, उसको मानो जैसा मान लिया, अब उसको जो आरोपित कर दिया हमने ह्यूमन बींग के तो फंस गए। तो डार्विन का उतना जो भाग जो स्टडी किया है वो ठीक है, जो नेचुरल सिलेक्शन कह रहा है वो ठीक है, पशु पक्षी के बारे में जो बात कह रहा है वो ठीक है, उसको जब मानव इम्पोज करते हैं तो हम बेसिकली जीव चेतना में जो जीने वाले मानव हैं उनके लिए वो बात तो ठीक बैठ सकती है, परंतु जो हमारी सहज स्वीकृति वो नहीं है, इसलिए उसके सिद्धांत वहां लागू नहीं होते जहां ज्ञान समाधान का काम शुरू हो जाता है। जी भैया ये क्लियर हो गया मेरे को, तो समय हो चला है बहुत अच्छा, हम लोग उसको और स्टडी करें, जितने भी तरह के प्रश्न है प्रकृति को लेकर है ना उसको हम लोग यहाँ पे पूछ लें, मैं को लेकर उसको हम लोग यहाँ पूछ लें, आज हम लोग यहाँ चर्चा को रोकते हैं, उसको और हम अपने आप में एक एक शब्द जो सामने है उसको और स्टडी करें, आज होमवर्क के रूप में एक एक शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करें, कहीं भी कोई शंका हो प्रश्न हो तो उसको हम लोग कल ले सकते हैं। यहाँ रोक लेते हैं, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।